व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग शानदार रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के साथ में। आप लोगों ने नाम सुना होगा लाला लाजपत राय जी का, लाला लाजपत राय। दूसरे नाम भी आप लोगों ने इनका सुना होगा, पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जानते हैं। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, हमारी कंट्री में काफी बड़ा रोल प्ले इनके द्वारा किया गया। साइमन गो बैक का नारा आप लोगों ने सुना होगा, उसमें इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया था और उसी टाइम पर इनको चोट लगी थी जिसकी वजह से आगे चलकर इनकी डेथ हो गई थी। लाल बाल पाल की तिगड़िंग आप लोगों ने सुनी होगी, तीन लोग थे लाल बाल पाल। तो जो यहां पर बात करते हैं लाला लाजपत राय, तो उस लाल बाल पाल में ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर लाल बाल पाल कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इनके नाम आप लोग याद रखते हैं, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। हमारी कंट्री में पंजाब नेशनल बैंक और इसी के साथ में लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी, जो कि आज के में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये 1894 में इन्हीं के द्वारा यहां पर सपोर्ट इसको किया गया था। इनके इन्हीं का काफी बड़ा रोल उसमें रहा है। साइमन गो बैक, साइमन कमीशन एक हमारी कंट्री में अंग्रेजों के द्वारा कमीशन बनाया गया, हमारी कंट्री में अंग्रेजों की गवर्नमेंट कैसी चल रही है वो देखने के लिए। तो उस कमीशन में सारे व्हाइट लोग थे, तो इसलिए उसको व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते थे। तो उस व्हाइट कमीशन का बाइकॉट किया गया, क्योंकि हमारी कंट्री की सिचुएशन कैसी है वो हमारी कंट्री के लोग उसमें होने चाहिए तभी तो बता पाएंगे, पर लेकिन ऐसा नहीं था। तो उस टाइम पर काफी लंबा प्रोटेस्ट चला, तो वहां पर लाठी चार्ज हो गई, तो लाठी चार्ज में इनको काफी चोट आई, तो इसकी वजह से इनकी जान चली गई थी। तो ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, काफी एक बात बात बोल सकते हैं कि आज हमारी कंट्री को एक सही डायरेक्शन देने में काफी बड़ा रोल इनका रहा है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, लाला लाजपत राय जी की बर्थ एनिवर्सरी है 28 जनवरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आज के दिन की लाइफ की आप लोग बात करें, चारों तरफ से आप लोग इंटरनेट से घिरे हैं, कोई भी सोशल मीडिया साइट ले लीजिए, इवन ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं तो यहां पर भी आप लोगों ऑनलाइन मीडिया आप लोग यूज कर रहे हैं, इंटरनेट और मोबाइल फोन वगैरह, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आज के दिन आप लोग सोशल मीडिया हैंडल करते हैं वो सारी चीजें आप लोगों का डेटा यूज करती है। यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ऑनलाइन आप लोगों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्या जीमेल आईडी है, कहां से आप लोग रहने वाले हैं, क्या आप लोगों की एज है, ये सारी चीजें वहां पर आप लोगों से पूछी जाती है। तो नॉर्मली ये समझिए कि काफी सारा डेटा आप लोगों का ऑनलाइन मीडिया में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जब यहां पर आप लोगों ने सुना होगा, अगर कोई गलत चीजें होती है तो उसको रोकने के लिए फिर रूल और रेगुलेशन भी आते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस भी फैलाई जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर डेटा प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है 28th of January को। 28th of January यहां पर इंटरनेशनल हॉलीडे के में यहां पर डेटा प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये प्रमोट करता है कि जो प्राइवेसी है वो काफी इंपॉर्टेंट है और ये बेस्ट प्रैक्टिस इसकी होनी चाहिए ताकि डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, इजराइल और 47 जो यूरोपियन कंट्री है वो यहां पर इसको अच्छे से ऑब्जर्व करती है। डेटा जो एक तरीके से प्राइवेसी है वो एजुकेशनल इनिशिएटिव भी है। जैसे आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में भी जब बात करते हैं प्राइवेसी को, तो अभी KS पुटास्वामी केस आया था, KS पुटास्वामी केस के चलते जो प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं आर्टिकल 21 के तहत यहां पर प्राइवेसी आ गई, इंडिविजुअल प्राइवेसी की जब हम लोग बात करते हैं। तो हमारी कंट्री में भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, खासकर अगर पर्टिकुलर ऑनलाइन मीडियम में आप लोग बात करें तो प्राइवेसी काफी इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में ये जो डेटा है यही आप लोगों को एक तरीके से मार्केट का एक पार्ट बना रहा है, क्योंकि जो भी आप लोग सर्च करते हैं, जो खाते हैं, कहां आप लोग जाते हैं, सब कुछ आज के डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अगर कुछ भी जरा सा भी आप लोग गूगल पर जाकर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर, कहीं पर भी, उसी तरीके की रिकमेंडेशन आप लोगों को लगती है। तो ये जो बिग डेटा है इसी को एनालिसिस करके आप लोगों के सामने प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है, जो भी आप लोग आज के डेट में अगर याद आज के डेट में सर्च करेंगे, अगर कुछ भी आप लोग ऑनलाइन आप लोग मोबाइल सर्च करेंगे या लैपटॉप, तो 2-3 दिन तक आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को उसी के एडवर्टाइजमेंट दिखते रहेंगे। तो यही है एक तरीके से डेटा का यूज करना, इसीलिए बोलते हैं कि आने वाले टाइम में डेटा एक न्यू ऑयल की तरीके से यूज किया जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। तो डेटा प्रोटेक्शन के लिए ये जो डे है 28 जनवरी, ये आप लोग आइडिया इसका रख सकते हैं। अब बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग अटेम्प्ट करने हैं, इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा, फिर आप लोग आगे देखिएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। स्कोर काफी अच्छे से आप लोगों का आज के डेट में, कई बच्चों का स्कोर है, बच्चों ने बोला कि सर हम पिछले 10 दिनों से या 12 दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्कोर अच्छा बढ़ रहा है। देखिए रेगुलर अगर प्रैक्टिस करोगे तो स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप लोग एक दिन करोगे एक दिन नहीं करोगे तो फिर उसके बाद में क्या होगा, बिल्कुल ऐसे आज रनिंग करने गए कल नहीं किया तो क्या हो गया, उससे ये होगा कि अगले दिन फिर आप लोगों की बॉडी कहेगी कल तुमने रनिंग नहीं की थी। वीक में एक दिन का रेस्ट लेना जरूरी है, वो आप लोग ले सकते हैं रनिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, इस तरीके से। पर लेकिन अगर आप लोग दिन में एक ही वीक में एक ही दिन करेंगे तो देखिए फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि चीजों में रेगुलरिटी लेकर आइए, और अब तो काफी कंपलसरी हो गया क्योंकि एग्जाम भी आप लोगों के पास में आ रहे हैं। भारत पर्व काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों से कल मैंने पढ़ाया था। भारत पर्व के बारे में बात की जा रही है, तो भारत पर्व का जो ऑब्जेक्टिव है
हमारी कंट्री में टूरिस्ट एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो इसकी स्प्रिट क्या है, फोकस एरिया क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये पर्व जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। हमारी कंट्री में भारत पर्व की जो इस बार की थीम है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत और सेलिब्रेटिंग 150th ईयर महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जयंती हम लोगों ने सेलिब्रेट की, अब की बार 150वीं बर्थ एनिवर्सरी इनकी। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, ये किस वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में देखने को मिला, जो कि 27th जनवरी को ये डे हम लोग याद करते हैं, जिसे बहुत सारे लोगों की जान गई। ये बेसिकली बात की जा रही है जर्मनी के टाइम पर, यहां पर एक तरीके से जो ज्यूस कम्युनिटी को मारा गया था नाजी फोर्स के द्वारा, वो आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर 2020 डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, इसी के साथ में ये कहां पर है। नेक्स्ट यहां पर एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, इनको दोनों को अभी रिसेंटली सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। और अच्छी बात यहां पर ये जो पुरस्कार है लास्ट ईयर स्टार्ट किया गया था, तो अब की बार ये सेकंड टाइम यहां पर दिया जा रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम इसको फर्स्ट टाइम यहां पर दिया गया था, तो गाजियाबाद में एनडीआरएफ की जो टीम है उसको यहां पर ये पुरस्कार दिया गया था, जो कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, अब इस साल किसको दिया गया है ये आप लोगों को बताना है। सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर ये अवार्ड जाता है, और 23rd जो जनवरी है उसके चलते यहां पर ये अवार्ड जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इसके नाम पर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से ये अवार्ड रिलीज किया गया था। आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि कोई महामारी होती है, जैसे बाढ़ आ गई, कहीं पर सूखा पड़ गया, कहीं सुनामी आ गई, तो उस तरीके से जो कोई हेल्प करता है उसको यहां पर उस टाइम पर, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक विजन के बारे में, जिसको नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बोला गया है, NDAP। तो ये स्टार्ट होने वाला है 2021-22 में, तो किसके द्वारा ये विजन रिलीज किया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री या कौन से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये आप लोगों को बताना है। यूनियन मिनिस्ट्री कौन सी है जिसके द्वारा लॉन्च किया गया वेब पोर्टल गति, तो गति एक तरीके से चलना होता है गति का। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये पोर्टल ये बनाया गया है, और ये पोर्टल क्रिएट किसके द्वारा किया गया है, रिलीज इनके द्वारा किया गया मिनिस्ट्री के, और क्रिएट किसके द्वारा किया गया है। वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क, एक बच्चे के द्वारा बोला सर कितनी बार डिस्कस करोगे ये पार्क कोई नहीं, रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से याद हो जाएंगी आप लोगों को चीजें। ठीक है, कहने का मतलब ये कि रिवीजन भी आप लोगों का होता रहता है, तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं घुमा घुमा कर आप लोगों से पूछता रहता हूं, ताकि चीजें आप लोग भूलें ना। ठीक है, बहुत सारी चीज इसलिए कहता हूं, लेक्चर डेली अगर आप लोग देखेंगे ना, बहुत सारा रिवीजन तो मैं ही आप लोग खुद करा दूंगा। ठीक है, तो इसलिए लेक्चर जरूर देखा कीजिए। आइए आप आंसर देखते हैं, और स्कोर जरूर लिखिएगा, जो भी स्कोर चाहे क्यों ना हो। आंसर है आप लोगों के सामने, यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है भारत पर्व के बारे में, 26 जनवरी से स्टार्ट किया जाता है, 31 जनवरी तक ये चलता है। अब की बार की जो स्पिरिट है ये देखो अपना देश, यानी कि अपना देश देखो, बाहर कंट्री में बाद में घूमने जाना, पहले अपने देश को तो घूम लो अच्छे से। टूरिज्म मिनिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, ये सेलिब्रेट करती है, और भारत पर्व जो है इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी भी है यहाँ पर अब की बार, और श्रेष्ठ भारत की बात की जा रही है, तो ये थीम आप लोग जरूर याद रखें। थीम का मतलब होता है कि फोकस एरिया किसी कौन सा है। ठीक है, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस जो डे है 27 जनवरी को सेलिब्रेट से याद किया जाता है, सेलिब्रेट क्या बोले इसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान गई थी, उसके चलते यहां पर ये किया गया कि आगे ऐसी हरकतें न हो। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर ये डिजास्टर देखने को मिला था। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन सेंटर, जो कि 2020 अवार्ड है यहां पर, ये इसका उत्तराखंड वाला जो ये ब्रांच है इसको दिया गया इंस्टीट्यूशन के तौर पर, जहां पर 51 लाख रुपए का यहां पर ये इनको प्राइज दिया जाता है, और कुमार मुनन सिंह इनका नाम याद रखेगा, इंडिविजुअल की कैटेगरी में इनको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो दो तरीके से अवार्ड दिया जाता है, एक तो इंस्टीट्यूशन को और एक इंडिविजुअल को। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर ये अवार्ड है, जो कि लास्ट ईयर स्टार्ट किया गया था, अब की बार इसका सेकंड संस्करण है। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा यहां पर रिलीज किया गया प्लेटफॉर्म, जिसको हम लोग नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म हम लोग बोलते हैं, इसके चलते फोकस एरिया यह है कि किस तरीके से हम लोग चीजों को आगे लेकर चलेंगे, खासकर आने वाले टाइम में डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, एक वेरीफाइड एक डेटा सामने होना चाहिए लोगों को, तो वही बात की गई थी। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के बारे में बात की थी, तो इसके द्वारा स्टार्ट किया गया गति पोर्शन, जिस तरीके से प्रगति स्टार्ट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसी तरीके से गति यहां पर स्टार्ट किया गया ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के द्वारा, जिसके चलते ये देखा जा सके कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट है वो कैसे चल रहे हैं। ठीक है, प्रगति की फुल फॉर्म क्या है वो आप लोग बता दीजिए, फिर से एक बार लिख लीजिए, याद हो जाएगी, दो बार तो मैं ही आप लोगों को बता चुका हूं। ये यहां पर क्रिएट किया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको NHAI आप लोग बोलते हैं। वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, यहां पर खासकर उत्तराखंड वाले इसको जानते होंगे। अच्छा, उत्तराखंड में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको देखा है, और कितने ऐसे यहां पर हमारी फैमिली मेंबर है उत्तराखंड की, ये भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो कैसा लगा क्विज, अच्छा लगा या बुरा लगा? अच्छा लगा तो ए लिखिए, बुरा लगा तो बी लिखिए। ठीक है, तो ABCD याद हो जाएंगे आप लोगों। ओके, ये मूवी कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया, सर मूवी का नाम तो बता देते, टेलीग्राम पर तो शेयर कर दी मूवी का नाम, ये आप लोग देखते हैं ध्रुवा करके ये मूवी है, सर्च कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पर लिंक है वहां पर जाकर देख लीजिएगा। ये एक IPS ऑफिसर होता है, और शानदार परफॉर्मेंस एक IPS ऑफिसर की यहां पर दिखाई गई है। ठीक है,
तो आप लोगों को एक इंस्पिरेशन भी मिलेगी इसके लिए अगर आप लोग इसको देखेंगे तो। कल कई सारे बच्चों के द्वारा देखेगी, अगर टाइम मिले तो जरूर देखना। कुछ और करने का मन हो तो उससे चलते, इससे इस मूवी को देख लीजिएगा। अगर इधर उधर घूमने का मन हो तो मूड फ्रेश हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं अब यहां पर नैनो न्यूज के बारे में। एक एक कर न्यूज देखते हैं। जो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये बात की जा रही है खेलो इंडिया गेम के बारे में। मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे खेलो इंडिया गेम, उसके बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहां पर उसका एक अलग तरीके का संस्करण स्टार्ट किया गया मोदी जी के द्वारा, जिसको बोला गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, तो अब यहां पर यूनिवर्सिटी के गेम स्टार्ट कर दिए गए हैं और फर्स्ट इसका एडिशन जो है ये यहां पर कटक और भुवनेश्वर में उड़ीसा से स्टार्ट हो रहा है। 22 यानी कि नेक्स्ट मंथ जो होगा यहां पर 22 का, उसमें यहां पर इसको स्टार्ट किया जाएगा 22 फरवरी में। तो याद रखिएगा अभी खेलो इंडिया गेम कंप्लीट हुए हैं, इसी के साथ में अब यहां पर ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और ये भुवनेश्वर से उड़ीसा से स्टार्ट हो रहे हैं। ये इसका फर्स्ट संस्करण देखने को यहां पर मिलेगा। बात किसके द्वारा बोली गई है, ये मोदी जी के द्वारा यहां पर ये बात बताई गई है मन की बात में। तो मन की बात में ऐसी बातें मोदी जी काफी बताते हैं, और जरूर सुना करो यार, अपने प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप लोगों इनकी बात जरूर सुननी चाहिए, खासकर क्या-क्या चीजें बताते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें खेलो इंडिया का भी, यहां पर तीसरा जो एडिशन है वो कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को एक वीडियो बताई थी डिटेल में, तो वहां पर जाकर देख लीजिएगा। फिर भी एक ओवरव्यू यहां पर भी दे देता हूं। खेलो इंडिया गेम का थर्ड एडिशन था, पहला 2018 में, दूसरा 19 में और तीसरा था 20 में। पहला हुआ था दिल्ली में, दूसरा हुआ था महाराष्ट्र में, तीसरा हुआ गुवाहाटी में। पहले में टॉप पर था हरियाणा, दूसरे महाराष्ट्र और तीसरे में महाराष्ट्र। छोड़िए इसको, ऐसे याद रखिए, पहले वाला एडिशन बस आप लोग याद रख लीजिए, हरियाणा महाराष्ट्र और दिल्ली। अब यहां पर महाराष्ट्र को यहां ला दीजिए और हरियाणा को यहां ला दीजिए, दिल्ली यहीं रहेगा तीनों पोजीशन पर, और ये बिल्कुल भी याद नहीं रखने की जरूरत है, ऐसे कैसे ही है। यानी कि जो पोजीशन यहां पर सेकंड में थी, सेकंड गेम में वही पोजीशन थर्ड गेम में, बस मेडल चेंज हो गए। यहां पर टोटल कितने थे, 403 मेडल थे, यहां पर 447 मेडल आ गए। दो नए गेम ऐड किए गए हैं, ये दो नए गेम ऐड कौन से किए गए ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बताए थे, और एक आप लोग ये भी बताइए कौन से ग्राउंड में ये गेम खेले गए हैं, ग्राउंड का नाम आप लोगों को बता होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जाकर देख लीजिएगा, डिटेल में आप लोगों को पढ़ाए थे। तो ये जो यूनिवर्सिटी वाले स्टार्ट किए गए इसी के तर्ज पर, इसी के पैटर्न पर स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर न्यूज निकल कर आ रही है, ये है सेंटर के द्वारा साइन किया गया यहां पर एक तरीके से एक एग्रीमेंट है। यहां पर ये एग्रीमेंट किससे लिट है, यहां पर ये एग्रीमेंट यहां पर है जो बोडोलैंड का नाम सुना होगा। बोडोलैंड कहां पर है, ये आसाम के अंदर है। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है, पर समझने से पहले आप लोग यहां पर ये देखिए, आसाम ये है हमारी कंट्री का, आसाम नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय यहां पर टच करता है, इसी के साथ में वेस्ट बंगाल। तो ये राज्य हो गए, इंटरनेशनल बॉर्डर है यहां पर भूटान, यहां पर हो गया ये, सॉरी ये इसको टच नहीं करेगा, ओनली भूटान हो गया और बांग्लादेश, तो दो इंटरनेशनल बॉर्डर है जो इसको टच करते हैं। तो इसके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, आसाम में एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप लोग बोलते हैं, आसाम में जो बेस्ड है बोडोलैंड, जिसको बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आसाम गवर्नमेंट और नेशनल बोडो डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ में अभी यहां पर तीसरा अकॉर्ड साइन किया गया है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यह कि ऑलरेडी पहले दो साइन किए जा चुके हैं। जी हां, दो साइन किए जा चुके हैं। फर्स्ट जो बोडो एक्टिविटी जो साइन की गई थी यहां पर, ऑल इंडिया स्टूडेंट जो यूनियन है ABSU 1993 में, उसके बाद में यहां पर बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल जिसको BAC के नाम से आप लोग जानते हैं, यह क्रिएट की गई और थोड़ी सी पॉलिटिकल पावर भी यहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन को दी गई कि इस एरिया में किस तरीके शांति बनाकर रखी जा सके। सेकेंड जो एग्रीमेंट आया यहां पर, यह 1993 के बाद में 2003 में आया, इस टाइम पर यहां पर बोडो अकॉर्ड जो साइन किया गया यहां पर, ये था बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर्स। ठीक है, तो यहां पर BLT के साथ में साइन किया गया और बोडोलैंड टेरिटोरियल जो काउंसिल है वो फॉर्मेशन किया गया। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यहां पर एक तरीके से एक बॉडी है जो कि पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट का काम करेगी और इसको पावर भी दी गई है। और ये जो BTC है ये Schedule 6 जो हमारे संविधान का है उसके अंदर यहां पर ये बनाई गई है। तो एक सेपरेट स्टेट की बात करते हैं आसाम के अंदर, बोडो एक स्टेट बनाने की बात करते हैं, और लगभग 50 साल से ये मांग कंटिन्यूअसली हुई आ रही है। अब यहां पर तीसरा एग्रीमेंट ये साइन किया गया है, ठीक है, जो इसी पैटर्न में यहां पर एक तरीके से कहीं ना कहीं रियायत देने की कोशिश करता है ताकि और ज्यादा डेवलपमेंट आसाम के अंदर में किया जा सके। तो ये इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट एक खतरनाक बात है यहां पर, अभी बिहार के अंदर में एक कोरोना वायरस का जो केस है वो रिपोर्ट किया गया है, जो छपरा के कितने लोग हैं जो हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क आप लोग हो जाइए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए और इसके बारे में अवेयरनेस जरूर फैलाइए, ठीक है, क्योंकि आगे भी चीजें हो सकती हैं। तो सस्पेक्ट जो है वो छपरा से यहां पर इनको पकड़ा गया और फिर उसके बाद में ICU में एडमिट इनको कराया गया। तो जांच की जा रही है, कोरोना वायरस के सिम्टम्स इनके अंदर देखने को मिले। हेल्पलाइन नंबर के बारे में मैंने वीडियो भी बताई थी, आप लोगों को कहा था प्लीज उसको शेयर करना, देखिए आने वाले टाइम में ये चीज आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी।
वो वीडियो फेसबुक पे बहुत सारे लोगों के द्वारा शेयर की गई, मुझे एक बड़ा ही सरप्राइज मोमेंट देखने को मिला। ये जो वीडियो है टेलीग्राम पर 10,000 लोगों के द्वारा देखी गई, पर लेकिन फेसबुक पे उसको ऑलरेडी 30,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ कि फेसबुक पर वीडियो जो है वो ज़्यादा चल गई इतनी टेलीग्राम पर भी नहीं चली। फेसबुक पर मैं अपलोड कर देता हूँ कई सारी वीडियो, जो हमारा फेसबुक का पेज है नहीं है, अपनी फैमिली का पेज है, जो स्टडी लवर वीर ये पेज है, ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, पेज की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर ये वीडियो काफ़ी चल गई, तो अच्छा लगा मुझे, 200 से भी ज़्यादा लोगों के द्वारा शेयर की गई। तो कम से कम ऐसी चीज़ें कम से कम जरूर शेयर किया कीजिए, जिससे लोगों की जान बच सकती है, अवेयरनेस फैल सकती है। और वीडियो शेयर नहीं करनी है तो खुद भी आप लोग लोगों को बताइए कि हाँ ऐसे ऐसे आप लोग इससे बच सकते हैं, ठीक है, तभी तो फायदा है पढ़ाई का, वरना क्या फायदा होगा यार। तो 24 आर यहां पर जो हेल्पलाइन नंबर है 011-239-78048, ये कल की वीडियो में मैंने बताया था, ये नंबर है जो गवर्नमेंट के द्वारा शेयर यहां पर किए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग ये आंध्र प्रदेश की साइड से न्यूज निकल कर आ रही है। आंध्र प्रदेश के द्वारा एक रिजोल्यूशन यहाँ पर पास किया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबोलिश करने के लिए, यानी कि आंध्र प्रदेश जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबोलिश करने जा रहा है। इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है उसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है और किस तरीके से अबोलिश की जाती है, डिटेल में आप लोग उस प्रोसीजर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ये आप लोग जरूर देखिएगा इसको, खासकर क्योंकि आप लोग स्टेट के भी क्वेश्चन अलग से बन जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारी पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, लोकसभा और इसी के साथ में राज्यसभा। लोकसभा के हाथ में पावर होती है बिल्कुल ऐसी जैसे असेंबली के हाथ में देखने को मिलेगी स्टेट के अंदर, और राज्यसभा को यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ में कंपेयर करते हैं। पर लेकिन ये कंपैरिजन है, इसको आप लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये यहां पर सेकेंडरी हाउस माना जाता है, जैसे कि यहां पर एक अल्टरनेटिव है, पर लेकिन यहां पर राज्यसभा अल्टरनेटिव नहीं है, राज्यसभा के हाथ में पावर होती है फुल। ठीक है, तो राज्यसभा कई जगह ऐसी पावर है जो यहां पर आप लोगों को जो इवन लोकसभा के हाथ में भी देखने को नहीं मिलेगी। ऑल इंडिया सर्विस वगैरह जो क्रिएट की जाती है सारी पावर राज्यसभा के हाथ में है, राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है अलग अलग राज्य को हमारी कंट्री के सेंटर में। ठीक है, तो उसको अलग से रखिएगा आप। थोड़ा सा बोला क्यों गया आखिर इनके द्वारा ऐसी हरकत क्यों की गई है, इसलिए की गई है क्योंकि इनके द्वारा कई सारे बिल लाए गए हैं पास्ट में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको अपर हाउस जिसको बोला जा रहा है स्टेट के अंदर में, वहां पर जो बिल है वो उनका जो इस तरीके से काम करने का जो तरीका है उसकी वजह से वो फेल हो गया। ठीक है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में सपोर्ट नहीं मिल पाई अच्छे से, जिसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिली। तो इन्होंने बोला कि एक कांटा ही निकाल देते हैं रास्ते में से, तो इसलिए ये स्टेप उठाया गया। अब यहां पर असेंबली में पास करेंगे और फिर इसको भेज दिया जाएगा सेंटर के पास में लेजिस्लेटिव असेंबली को अबोलिश करने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, हमारे कंट्री में कितने ऐसे राज्य हैं आंध्र प्रदेश को मिलाकर जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आंध्र प्रदेश को हटाने के बाद में तो फिर बची जाएंगे, अब इसको मिलाकर बताना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये निकल कर आ रही है कहां से, ये है यहां पर उत्तर प्रदेश से, जो हमारी कंट्री में सबसे बड़ा राज्य माना जाता है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, पर लेकिन एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अब वो आप लोग बताइए। एक क्वेश्चन मैंने बताया, एक आप बताइए, इसी तरीके से खेलते हैं। ठीक है, अब एक काम मैंने कर दिया, एक काम तुम्हें करना है। ठीक है, तो 5 दिन की जो गंगा यात्रा है वो स्टार्ट की जा रही है ताकि गंगा को हम लोग साफ कर सकें। गंगा एक ऐसी रिवर है हमारी कंट्री में जो एक होली रिवर मानी जाती है, और देखिए बेसिक फंडा यही है होली रिवर बनाने का, ताकि उसके आसपास वाले जो लोग हैं उसको एंजॉय कर सकें और खासकर उसको पवित्र रख सकें, क्योंकि गंगा जितनी गंदी होगी उतना ही ज्यादा लोगों की बीमारी फैलेगी। तो एक तरीके से रिलीजन की जो चीजें ऐड की जाती है ना किसी चीज के साथ में, वो इसीलिए ऐड की जाती है ताकि उसकी जो पवित्रता है बनी रहे, कहीं ना कहीं वो गंदगी न फैले उसमें ज्यादा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है गंगा, तो इसको हमारी कंट्री में बोलते हैं। जब ये आगे चल के ब्रह्मपुत्र के साथ में बांग्लादेश के साथ में मिलती है तो इसको यहां पर पद्मा बोलने लगते हैं। ठीक है, मिलने के बाद में फिर आगे जब जाती है यहां पर इसको मेघना बोलने लगते हैं, जब ये जाकर वेव बंगाल के अंदर में गिरती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर सुंदरवन डेल्टा ये बनाते हैं यहाँ पर, और एक सुंदरी ट्री है जिसके नाम पर इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा बोला जाता है, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा भी है वेव बंगाल के अंदर में। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है ये है यहाँ पर एक पर्टिकुलर पोर्ट के बारे में जिसका नाम है पैरादीप पोर्ट। पैरादीप पोर्ट जो है ये खासकर ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये डिफेंस में बड़े पूछे जाते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट के कई बार मैंने पेपर देखे तो उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पैरादीप पोर्ट है कहां पर, ये उड़ीसा के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे पर देखने को मिलेगा ये यहां पर आप लोगों को, ये एक तरीके से जो नदी है महानदी जो जाकर गिरती है वेव बंगाल में, तो वहां पर जो मीटिंग पॉइंट है वहां पर ये देखने को मिलता है। एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किया जाता है यहां पर, ये पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट है, इसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। मेजर पोर्ट ट्रस्ट 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में आती है, जिसके तहत ये देखने को मिलते हैं। तो एक पैनल बनाया अप्रूव करने के लिए, प्रपोज करने के लिए पैरादीप पोर्ट को एक्सपेंड किया जाएगा और बड़ा पोर्ट यहां पर बनाया जाएगा। तो उड़ीसा के अंदर यहां पर देखने को मिल रहा है, ये हो गया उड़ीसा, यहां पर आप लोग इसको देखेगा तो ये पर्टिकुलर पोर्ट पूरा दिखाया गया है। थोड़ा सा उड़ीसा के वैसे भी दर्शन आप लोग करा देता हूं। ये हो गया उड़ीसा जो कि वेव बंगाल की साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं।
ये न्यूज वैसे एक बार ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, थोड़ा सा रिवीजन आप लोग यहाँ पर कर लीजिए। हमारी कंट्री का पहला ई वेस्ट क्लिनिक प्लांट जो बनाया गया है वो मध्य प्रदेश में भोपाल में बनाया गया है। यानी कि जैसे मोबाइल हो गया या आप लोग पेन ड्राइव हो गया या फिर दूसरे जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, रेडियो हो गया, कैलकुलेटर हो गया, स्टेबलाइजर हो गया, बैटरी हो गया, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उनका जो वेस्ट पड़ जाता है घर में बचा रहता है उसको रीयूज करने की बात की जा रही है, तो इसके लिए एक सेंटर बनाया गया है ये यहाँ पर भोपाल में। अभी ये यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट है जो 3 महीने के लिए चलेगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कौन कौन इसको चला रहे हैं, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहां पर इसको चला रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये है हाउस होल्ड या फिर जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो सब यहां पर सामान पहुंचा सकते हैं डायरेक्ट भी, और यहां पर डोर टू डोर जाकर भी इसको कलेक्ट किया जाएगा। ये यहां पर टेक्निकल सपोर्ट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है, और 3 महीने का पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद में अगर ये सक्सेस हो पाता है तो पूरी कंट्री में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ताकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो जनरेट होता है उसको ढंग से यूटिलाइज किया जा सके। तो ये है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है सोशल इश्यू के बारे में, और ईपीएफओ की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, उसमें सोशल इश्यू काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं, बेसिक यही वो पेपर भी है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में। अभी यहां पर रिजर्वेशन देने की बात की जा रही थी 3% जो हमारी कंट्री में डिसेबल सेक्शन है, तो यहां पर उसके ऊपर कई सारे डिस्कशन चल रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि डिसेबल सेक्शन जो सोसाइटी का है उसको रिक्रूटमेंट में भी और प्रमोशन में भी, यानी कि जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है उनका प्रमोशन भी पहले किया जाए, तो इसके चलते यहां पर यह केस था जो कि अभी यहां पर इंप्लीमेंट किए जाने की बात बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हमारी कंट्री में 3% रिजर्वेशन है यहां पर डिसेबल सेक्शन के लिए, और जो रिजर्वेशन निकल के आता है उसके लिए हमारी कंट्री में जो संविधान है, संविधान में जो फंडामेंटल राइट है पार्ट थर्ड में 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल आते हैं जो कि रट भी गए होंगे आप लोगों, इसमें आर्टिकल 16(1) जो है यहां पर ये इसके तहत यहां पर फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराया जाता है कि हां आप लोगों को रिजर्वेशन देना है डिसेबल सेक्शन को 3%। कुछ और बातें थोड़ी सी जान लेते हैं, और हाँ आर्टिकल 16 के बारे में अगर थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर बात की जाती है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल सिटीजन इन द मैटर ऑफ रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रेस्ट, कास्ट, सेक्स और रिलीजन के बेस पर, कोई भी या बर्थ प्लेस के बेस पर। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये वो फंडामेंटल राइट है जो ओनली हमारी कंट्री के सिटीजन के लिए है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबके लिए यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड द फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1955 है। ये जो एक्ट यहाँ पर बात करता है कि हाँ एम्प्लॉयमेंट में आप लोग यहाँ पर डिसेबल सेक्शन को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर 2016 का वर्डिक्ट है यहां पर राजीव कुमार गुप्ता, तो उसमें ग्रांट किया गया था रिजर्वेशन इन प्रमोशन डिसेबल सेक्शन के लिए ग्रुप ए, ग्रुप बी और इन एडिशन सी एंड डी पब्लिक सेक्टर्स। तो यहां पर कहने का मतलब है ऑलरेडी केस हमारी कंट्री में जिसमें प्रमोशन में भी रिजर्वेशन की बात की जा रही है। एक तो होता है सिलेक्शन जब आप लोग फॉर्म भरते हैं, जैसे ईपीएफओ का आप लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है, एक तो वहां पर रिजर्वेशन मिल जाएगा जो कि फॉर्म भरने में, एक फिर यहां पर अगर किसी का सिलेक्शन जैसे होता है वहां पर आगे चलकर तो फिर आगे प्रमोशन की बात आएगी, तो पहले यहां पर प्रमोशन डिसेबल सेक्शन को दिया जाएगा, इस तरीके से यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। एक जजमेंट भी है यहां पर जिसके बारे में हम लोगों ने भी बात की 2016 का, यहां पर ये इस तरीके से आइडेंटिफाई करता है डिसेबल सेक्शन को 3% रिजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर एक तरीके से यहां पर जो जजमेंट चैलेंज किया गया था पहले लार्जर बेंच के सामने गया था, तो इंदिरा सानी केस है उसमें ये बोलते हैं कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो 50% का जो रिजर्वेशन है ये गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया ये रिजर्वेशन ओनली आप लोग जो बात करते हैं वो बैकवर्ड सेक्शन के लिए है, डिसेबल सेक्शन के लिए कोई ऐसी बार नहीं है, आप लोग इसको गलत तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। तो इंदिरा सानी का केस है रिजर्वेशन से लिए जो कि बोलता है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं एनवायरमेंट के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर, एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है यहां पर, यह बात की जा रही है कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ एक तरीके से आप लोग काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं ओशियन का, खासकर ओशियन के अंदर जो लाइफ होती है, पर लेकिन जिस तरीके से टेम्परेचर वगैरह बढ़ रहा है उसके चलते यहां पर कोरल रीफ जो है वो अपना अस्तित्व खो रहे हैं, तो यहां पोल्यूशन बहुत लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलता है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो ओशियन के अंदर। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया है गुजरात के अंदर में, जो कच्छ वाला रीजन है वहां पर कोरल रीफ को फिर से क्रिएट करने की बात की जा रही है, और जो टेक्नोलॉजी यहां पर यूज की जा रही है इसका नाम याद रखिएगा बायो रॉक्स या फिर मिनरल एक्रिएशन टेक्नोलॉजी इसको बोला गया है MAT, ठीक है, MAT या फिर बायो रॉक के नाम से इसको जानते हैं। क्या करते हैं यहां पर ये यहां पर एक ऐसी स्ट्रक्चर करते हैं तैयार जमीन के अंदर में, और फिर यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो यहां पर कैथोड और एनोड चार्ज होते हैं उसके थ्रू यहां पर सी फ्लोर पर
एक बेसिक यहां पर जो नहीं तो सोलर पैनल वो लगा देते हैं और उसके थ्रू यहां पर इलेक्ट्रिसिटी छोड़ी जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट एक तरीके से यहां पर जनरेट किया जाता है, तो उसके चलते यहां पर कोरल रीफ फिर यहां पर बढ़ने लगते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है ना, CaCO3 आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर फॉर्मेशन होने की वजह से कोरल रीफ जो होता है वो क्विकली ग्रो होने लगते हैं, जिसकी वजह से यहां पर आज के में जो घट रहे हैं उनका भी एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। एक्सपेरिमेंट किया गया ये 19 जनवरी को गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर में, यानी कि गुजरात के अंदर में। तो देखने वाली बात यह कितना अच्छे से यहां पर इसको इंप्लीमेंट पाते हैं। जो इंस्टॉल किया गया 4 मीटर ये हाई टाइड और इसी के साथ में 8 मीटर बेसिकली क्या रहता है, एक ऐसा रहता है कि जो टाइड देखा जाता है, लो टाइड और हाई टाइड कहां पर कैसे कैसे हैं, उन्हें ज्वार भट्टा आप लोगों ने सुना होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट याद रखेगा कोरल रीफ का काफी इंपोर्टेंट पार्ट होता है, जिसके चलते फॉर्मेशन चलते यहां पर ये पनपते हैं वहां पर, तो उसी को फॉर्मेशन करने की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, पता होना चाहिए। आगे चलता हूं, अवार्ड्स के बारे में बात की जा रही है। तो जो अवार्ड है यहां पर ये हमारी कंट्री में जीवन रक्षा पदक के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले तो ये अवार्ड है यहां पर कौन यहां पर प्रेजेंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो हमारी कंट्री जी के हैं उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया, कंफर्म किया गया जीवन रक्षा पदक जो सीरीज है यहां पर, ये टोटल 54 यहां पर दिए गए हैं। अब यहां पर क्या ये किस किस कैटेगरी में दिए जाते हैं समझ लीजिए आप लोग। जीवन रक्षा पदक जो सीरीज है यहां पर उस पर्सन को दी जाती है जिसके द्वारा ह्यूमन नेचर को सेव करने के लिए लाइफ की भी एक तरीके से बाजी लगा दी है। ठीक है, तो एक तरीके से ऐसे पर्सन को दिए जाते हैं। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक, तो ये 3 कैटेगरी में यहां पर डिवाइड किए जाते हैं और जो इलिजिबल पर्सन है उनको यहां पर ये अवार्ड फिर दिए जाते हैं। कितने पर्सन कहां कहां पर यहां पर है और कौन कौन यहां पर इनको एक तरीके से कलेक्ट करता है, तो यहां पर मेडल सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाते हैं होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर, और अलग अलग मिनिस्ट्री को दे दिए जाते हैं, जिस भी एरिया से ये लोग होते हैं फिर वो उनको अपने आप दे देते हैं। तो यहां पर टोटल मिलाकर अगर सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक की बात करें तो 7 दिए गए हैं, उत्तम जीवन रक्षा पदक की बात करें तो 8 दिए गए हैं, और यहां पर जीवन रक्षा पदक की बात करें तो 39 दिए गए हैं। कई सारे यानी कि 5 लोगों को यहां पर पोस्टमसली यानी कि पोस्टमस यानी कि उनकी डेथ के बाद भी यहां पर दिए गए हैं, जब उनकी जान जा चुकी है तो उस टाइम पर भी अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो यह है इंपॉर्टेंट फैक्ट जीवन रक्षा पदक के बारे में, आइडिया रखिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। तो जो गवर्नमेंट स्कीम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। तो गवर्नमेंट स्कीम मैंने बोला था कि कई कई आप लोगों की बीच बीच में होती रहती है कंप्लीट, तो वही है आप लोगों के सामने। तो यहां पर नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के बारे में बात की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया यहां पर नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, जिसको NBM आप लोग बोलते हैं, ये प्रोवाइड करेगा ऑल विलेज गांव के अंदर में 2022 तक, जब हमारी कंट्री में आप लोग 75वीं एनिवर्सरी अपनी आजादी की सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ब्रॉडबैंड फैसिलिटी यानी कि इंटरनेट सर्विस। ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, टेलीकॉम मिनिस्ट्री, रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। और इसी के साथ में जो गवर्नमेंट है डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी का पार्ट भी इसको बनाकर चल रही है, तो फास्ट तरीके से कैसे यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइड कराई जा सकती है, यह है खासकर सारे विलेज जो भी है गांव में 2022 तक का, यह है इसका टारगेट। तो काफी अच्छी स्कीम आप लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों के सामने क्विज है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले यहां पर बताइए सेंटर और आसाम गवर्नमेंट ने किसके साथ मिलकर एग्रीमेंट साइन किया गया है कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो तीसरी पार्टी कौन सी है। फर्स्ट बोडो अकॉर्ड जो साइन किया गया था ये आसाम बोडो स्टूडेंट यूनियन के साथ में साइन किया गया था, कब साइन किया गया और इसके चलते किस शेड्यूल में यहां पर एक बॉडी बनाएगी जिसको BTC बोलते हैं, यानी कि बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में बात की गई है, किस राज्य में ये फर्स्ट एडिशन इनका आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैबिनेट के द्वारा रिजोल्यूशन पास किया यहां पर अबोलिश करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन सा राज्य के द्वारा ये पास किया गया, कौन सा पोर्ट है उड़ीसा के अंदर में जो एक मेजर पोर्ट है और किस रिवर पर बना है जिसको एक्सपेंशन की बात की जा रही है। ई वेस्ट क्लिनिक जो यहां पर ये भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में कौन सी सेंट्रल बॉडी है जो मिलकर काम कर रही है, कौन से आर्टिकल में रिजर्वेशन की बात की जाती है डिसेबल सेक्शन के लिए, जजमेंट आप लोगों को बताना है कौन सा था जिसमें यहां पर प्रमोशन की बात की जा रही है डिसेबल सेक्शन के लिए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक टेक्नोलॉजी को यूज करके कोरल रीफ को रिस्टोर करने की बात की गई है, वो टेक्नोलॉजी कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मूवी का लिंक भी आप लोग यहां पर प्रोवाइड करा दिया गया, सारी PDF एक जगह इकट्ठी मिल जाती है और भी इसके साथ में जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो आप लोग यहां पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, और देखिए जब भी टाइम मिला किसी को पढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को अंदर से, कई सारे बच्चे काम कर रहे हैं आग भी पढ़ा दीजिए, तो एक अगर बंदा 3 बंदों को पढ़ा देगा तो ये समझिए कितने सारे लोग को हम लोग एक तरीके से एजुकेट कर सकते हैं। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथिन प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।